हमारे साथ हैं वीर सिंह की, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। भारतीय समाज निर्माण संघ के महासचिव हैं और हमेशा बहुजनों की बातों करते रहते हैं। ये जो आपका BSNS है, इससे लोग क्यों जुड़े, पहली बात। दूसरी बात ये, और इससे आप लोगों को किस तरीके से जोड़ते हैं वो भी बताएं। और हमने सुना है कि आपके मंचों से आ रहा है कि आप 100 से 500 पुस्तकालय भी खोल रहे हैं, तो क्या पढ़ाया जाएगा उन पुस्तकालयों के अंदर, जबकि लोग बेसिक तौर से अभी तक तैयार नहीं हुए, मानसिक तौर से अभी तक तैयार नहीं हुए। तो क्या आइडियोलॉजी को लेके आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, बहुजनों का इतिहास, बहुजनों की बात को किस तरीके से आप घर घर जाके पहुँचाते हैं वो बताएं। हमने जैसे अगर बहुजनों को तैयार करना है तो उनके अंदर वैचारिक परिवर्तन करना होगा। अभी जो उनके दिल और दिमाग और मस्तिष्क में शासकों ने बैठाया हुआ है, वो अंधविश्वास और पाखंड बैठाया हुआ है, उसको वहाँ से निकाल कर सही विचारधारा उनके दिमाग में जो हमारे महापुरुषों ने दी हुई है वो उनके घर तक पहुँचाएंगे, वो पढ़ेंगे, तब उनके दिमाग में वो विचारधारा बैठेगी। इसके लिए अभी हमने कार्यक्रम जो चलाया, जिसका आप जिक्र कर रहे हो, कि घरों में हम 100 घरों में पुस्तकालय हमने शुरुआत की है, वो खुल जाएंगे करीब करीब 25-30-40 तो उठ कल ही हमारे खुल चुके हैं। तो मैं देखता हूँ कि गरीबों के घर में सब कुछ है, चाहे हम झुग्गी में रह रहे हों, झोपड़ी में रह रहे हों, TV भी लगा रखा है, साइकिल भी है, बेड भी है, और महिलाओं के पास कपड़ी भी हैं, एक आध दो छोटे मोटे गहने भी हैं चाहे चांदी के हों, मगर घरों में हमारे महापुरुषों ने जो विचार दिया, जो रास्ता बताया, उससे संबंधित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें नहीं है, इवन उनके चित्र भी नहीं है। तो जब वो पुस्तकें जाएंगी तो पूरा कुछ जानेंगे, तो परिवर्तन की तरफ समाज बढ़ सकता है। इसके लिए हमने ये पुस्तकालयों की शुरुआत की है। और दूसरा, जैसे युवा को हमारे साथ क्यों जुड़े, हम फूले साहब और बाबा साहब का जो आंदोलन है, जो उनकी विचारधारा है, इवन तथागत की भी जो विचारधारा है, वो लोगों को अंदर से अवेकन करने की है। हम देखते हैं कि परिवार का सिस्टम भी जो हमने शुरू करा है ना, हम 3 तरह से लोगों को अवेकन कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे युवा हैं तो उनको कह रहे हैं कि माँ और बाप, आपके छोटे भाई और बहन, और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चे आपसे आशा और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो क्या उनकी आशा उम्मीद के अनुरूप हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, और अगर नहीं करा है तो आपको उनकी आशा उम्मीद के अनुरूप तैयार करने में हम उनकी पूरी मदद करते हैं, उस लायक बनाते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, परिवार को ट्रेनिंग देते हैं। हमने देखा है कि हम एक छत के नीचे रह जरूर रहे हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, मगर हम एक विचार ही नहीं है। हम सारा जीवन साथ रहता पति पत्नी, एक राइटर की 2 लाइन मुझे याद आ रही है कि ना तुम मुझे समझ सकी ना मैं तुम्हें समझ सका, मगर ना जाने क्यों तमाम उम्र साथ हम रहे। सारी उम्र साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। वो विचार एक बनाए तब लड़ाई, और वो लड़ाई जो हमारे घर में सुख और शांति, जो समृद्धि लाएगी, जो बच्चों को एजुकेशन देगी, उस लड़ाई की शुरुआत तो तब होगी जब परिवार एक विचार का हो जाए। तो उस काम को हमने हाथ में लिया और हम कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी सफलता उसमें मिल रही है। जी, यूं तो देश के अंदर बहुत सारे बहुजनों के संगठन हैं, बहुत सारे आंदोलन काम करते हैं, लेकिन जो BSNS कर रहा है वो एक बहुत क्रांतिकारी तरीके से काम कर रहा है, जो बिना पॉलिटिकल पार्टी ना बोल के एक बहुत सामाजिक आंदोलन पे काम कर रहा है, और जो घर घर एजुकेशन एक विचारधाराओं को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं BSNS से जुड़ना, तो आप हमारे वीर सिंह जी से आप नंबर ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आज पूरे देश के अंदर कैडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो BSNS है ये पूरे देश के अंदर कैडर लेता है, जगह जगह जहाँ पे आपके, अगर चाहते हैं कि वीर सिंह जी या इनकी टीम के लीडर्स जो लोग हैं, वो जो विचारधाराओं को बढ़ाने का काम करते हैं, वो आपके यहाँ पर आएं और क्लास लें, तो आप वीर सिंह जी को फोन कर सकते हैं। वीर सिंह जी, आप अपना नंबर दे देंगे तो सब बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मेरा नंबर है 9868069839, और हम जो अवेकनिंग का काम कर रहे हैं ना, आप कहीं भी काम करें, किसी भी संगठन में भी काम करें, मगर आप अंदर से अवेकन हो जाएं
तब फूले साहब और बाबा साहब की विचारधारा आपको समझ में आएगी। अगर आप भ्रमवश भावनावश विवेक को छोड़कर भावनात्मक लगते हैं तो देर होगी, अवेकन होके लगोगे तो बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।